इसी फर्स्ट पर्सन शूटर के डेमो के अंदर हमने कुछ चेंजेस की हैं, जैसे कि ये मैंने अपने गेम को प्ले किया। मैं इनपुट डॉट गेट एक्सिस से मैं जब इसको लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करता था तो वो रोटेट नहीं करता था, वो सिर्फ लेफ्ट और राइट की तरफ सिंपली मूव होता था। तो अब ये लेफ्ट और राइट की तरफ मूव भी हो रहा है। और वो कोड मैंने ये लिखा है, ये हमारा कोड है, जिसे इनपुट डॉट गेट की इको डॉट अप एरो, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट से मैंने सिंपल इसको vector3.forward, ये शॉर्ट हैंड कोड है फॉर राइटिंग vector3 0, z एक्सिस की तरफ सिंपली ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, और इसको मूव स्पीड से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है। जैसे मैं इसको ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन कर रहा था, मैं उसी तरह मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट का फंक्शन यूज़ करा है, और इसी तरह मैंने यहाँ पे रोटेट का फंक्शन यूज़ करा है। रोटेट का फंक्शन रोटेशन के लिए यूज़ होता है, और ये vector3.up ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ये y एक्सिस की तरफ हमारी मूवमेंट करेगी। ये लेफ्ट एरो का मतलब है कि हम यहाँ पे नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ हमारी वैल्यू मूव होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपना गेम ओपन करूँ तो मैं रोटेशन की तरफ लेकर आता हूँ, तो ये मेरी रोटेशन जा रही है नेगेटिव की तरफ और ये मेरी रोटेशन जा रही है पॉजिटिव की तरफ। तो इसी तरह मैं यही चेंजेस कोड के ज़रिए कर रहा हूँ, और इसमें लेफ्ट और राइट की तरफ रोटेशन पे ये देखें आप, ग्रीन ग्रीन एंगल शो हो रहा है, यानी कि ग्रीन का मतलब है y एक्सिस की तरफ हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं, 0, 1, y एक्सिस पे चेंज आ रहा है, और नेगेटिव लेफ्ट पे करेंगे तो नेगेटिव और राइट पे करेंगे तो पॉजिटिव। और कुछ चेंजेस और करी हैं इस फर्स्ट पर्सन शूटर के गेम के अंदर। जैसे ही मैं इस गेम को प्ले करता हूँ तो ये बॉल थ्रू हो रही है, बॉल खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो रही है कुछ टाइम पीरियड के बाद। जैसे ये देखें आप, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो रही है बॉल कुछ टाइम पीरियड के बाद। इससे हमारी गेम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा यहाँ पे हायरार्की नहीं ऐड होगी, ज़्यादा हमारे गेम ऑब्जेक्ट नहीं ऐड होंगे। इसके लिए जो कोड लिखा है वो है बॉल प्रीफैब के ऊपर, मैंने एक सिंपली एक स्क्रिप्ट लगाई है किल बॉल की। मैं स्क्रिप्ट अपनी ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मैंने एक फ्लोट नाम का वेरिएबल लिया है, जो कि हमारा टाइम है कि कितने टाइम बाद वो बॉल ख़त्म हो जाए। 1.6 इसकी मैंने वैल्यू ली है कि 1.6 बार तक ये ख़त्म हो जाएगी, और डिस्ट्रॉय का फंक्शन यूज़ करा है। और डिस्ट्रॉय का फंक्शन क्या करता है कि ये स्क्रिप्ट जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी हुई है वो वाला ऑब्जेक्ट, और उसको इतने टाइम पे आप डिस्ट्रॉय कर दो। सिंपली ये चेंजिंग करी है हमने बस इस गेम के अंदर।